नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल जीएसटी अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। आज सीबीआईसी ने तीन नोटिफिकेशन इशू किए हैं, 32, 33 एंड 34, जिसके अंदर उन्होंने लेट फी एमनेस्टी स्कीम, इसका जो क्लोजिंग डेट था उसको एक्सटेंड किया। दूसरा, आपका जो एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इस डेट को एक्सटेंड किया। और कंपनी के केस में जहां डीएससी बेस रिटर्न वेरिफिकेशन था, उसके केस में ईबीसी वेरिफिकेशन का जो बेस रिटर्न वेरिफिकेशन, वो डेट एक्सटेंड किया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि लेट फी एमनेस्टी स्कीम, जो नोटिफिकेशन नंबर 19/2021 1 जून 2021 को लाया गया था, जिसमें टैक्स पेयर को रिलीफ प्रोवाइड किया गया था बाय रिड्यूसिंग एंड वेविंग लेट फी फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ द जीएसटीआर 3B फॉर टैक्स पीरियड फ्रॉम द स्टार्टिंग जुलाई 2017 टू अप्रैल 2021। इफ द रिटर्न फॉर दिस टैक्स पीरियड आर फर्निश बिटवीन 1 जून 2021 टू 31 अगस्त 2021, तब लास्ट डेट टू अवेल बेनिफिट ऑफ लेट फी एमनेस्टी स्कीम has now been extended from existing to 31st August 2021 था, उसको 30th November 2021 किया गया, 30 नवंबर 2021 कर दिया गया है। इसके बाद डिपार्टमेंट ने कहा कि वेरियस रिप्रेजेंटेशन रिसीव ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द टाइमलाइन फॉर फाइलिंग ऑफ द application for revocation of the cancellation of registration to 30th September 2021. 30 September 2021 तक बढ़ाया गया, जहां due date of the filing of the application for revocation of cancellation of registration falls between 1st March 2020 to 31st August 2020. 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2021 तक था, उसको एक्सटेंड करके उन्होंने 30 सितंबर 2021 कर दिया है। तो ये एक्सटेंशन जो अप्लाई होगा ओनली इन द केसेस फॉल्स अंडर सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी एंड सी, जहां पर कंपोजिशन टैक्स पेयर अगर 3 कॉन्सेक्यूटिव पीरियड के लिए अगर रिटर्न नहीं फाइल करता है, और अदर केसेस में 6 कॉन्सेक्यूटिव पीरियड के लिए अगर रिटर्न नहीं फाइल किया जाता है, तो उस केस में रिवोकेशन अगर कर देता है डिपार्टमेंट, तो उस केस में एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके लिए इन्होंने डेट को एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 तक रखा है, नोटिफिकेशन नंबर 34। इसके अलावा फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B एंड फॉर्म जीएसटीआर 1 IFA बाय कंपनी यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन इंस्टेड ऑफ डीएससी ऑलरेडी बीन इनेबल फॉर द पीरियड 24th अप्रैल 2021 टू 31st अगस्त 2021, उसको एक्सटेंड करके 31st अक्टूबर 2021 किया गया है। एक्सटेंशन ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ द लेट फी एमनेस्टी स्कीम एंड एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ द टैक्स पेयर, स्पेशली अ स्मॉल टैक्स पेयर who could not file their returns in time due to various reason, mainly because of difficulty caused by COVID-19 pandemic and whose registration were cancelled due to the same. Taxpayer are requested to avail the benefit to of this extension at the earliest to avoid last minute rush. Thank you so much for watching this update.